भाइयों, इसमें हमने 2 बार टीलर चलाया, 4 दिन का गैप देखे, देखो सारा मोथा ख़त्म हो गया। और कल हम इसमें फावड़ा निकाल लेंगे, ये कहीं कहीं जैसे टटीरी के अंडे हैं, यहाँ थोड़ी जगह छोड़नी पड़ी हमें, और ये थोड़ा दोहरा सा है और बहुत सुंदर हो गया ये देखिए। और इसमें हल्की डोज लगा के, एक तो लिक्विड लाए हैं NPK, एक दो और दवाइयाँ हैं वो मैं बता दूंगा आपको। और इसमें हमारा मतलब ये है कि हर पानी पे हल्के हल्के कुछ ना कुछ लगाते रहो इनमें, ताकि इनके बचपन की खुराक पूरी मिल सके। क्योंकि जो पशुओं का लावारा घर में छोटा बालक बचपन में अच्छी खुराक ले लेगा तो वो हष्ट-पुष्ट रहता है। और दूसरा, इसमें मैं आज आपको कुछ फुटेज पहले भी दिखाऊंगा जब हमने बोई थी, जब सब तक थी, वो भी आप देख लेना। भाइयों, हमने इसमें पानी दिया था करीबन 8 दिन हो गए, अब ये सूखने लगी थी, मतलब ये दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह की हो गई थी, तरेड़ सी पटने लगी, अभी आली थी। हमने क्या दिमाग लड़ाया, इसमें सूखी मिट्टी डाल रहे हैं 2-2 अंगल, इससे क्या होगा, नमी बन जाएगी नीचे, बनी रहेगी और एक कक पोया जम जाएगा। ये देखिए, हमने इतने खूड़ कर दिए, मैं, बबलू और पुनीत तीनों लग रहे हैं इसमें। पुनीत तो हाथ से कर रहा लमरदार, और मैं बबलू फावड़े से कर रहे हैं। और जो धोरे हैं बचे हुए, इसमें हमने मक्का का बीज चोप दिया, 4 दिन में बाहर हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह डाल के सूखी मिट्टी ऊपर से, क्योंकि धूप जो लगेगी यो अब इसमें नहीं लगेगी। हालांकि हमें 1 दिन लेट हो गया, 1 दिन और पहले करते, लेकिन सही है। ये देखिए हम पैर से फैला रहे हैं, जैसे कहीं जगह आँख चमक जाती है तो वो गला गल ढक जाए इससे। और पुनीत का स्टाइल दिखाता हूँ मैं, ये देखिए भाइयों, नमी है भी, और ये पुनीत का स्टाइल, 2 खुड़ लेकर चल रहा है लंबरदार। पुनीत फावड़े से नहीं कर रहा ना जी, ना मैंने एक वीडियो देखी थी, वो बिचारी बहुत कम वीडियो चली थी, तो ज्यादा यही स्टाइल था, दोनों हाथ वाला। ज्यादा तो नहीं हो रही मट्टी? नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं सामने टक्कर मार रहा ना दीवार पर अपने आप ही। हाँ, ये सही है। एक तो भाइयों, खरपतवार नहीं जमेगा, और ये मुश्किल से 2 इंच भी नहीं आ रही मट्टी, इससे क्या होगा, इससे भपका बन गए नीचे, जमीन नमी रुकी रहेगी इसमें, ये रोकनी है नमी, ये तरेड़ जो है ना, ये तरेड़, और ऊपर सूखी मट्टी जो गिरी है भुरभुरी, इसमें को ईंख नहीं रुकेगा, बहुत आराम से जम जाएगा। ईंख तो हल्का हल्का आने लगा। अब ये देख रहे हैं भाइयों, इसका थोड़ा तरीका डिफरेंट है उस ईंख से, पहले गन्ने से थोड़ा अलग है, ऐसे मन लग रहा है, कोई हमें वो नहीं है टेंशन, अच्छा लग रहा है। भाइयों, इसमें हमने खुरपे से नलाई करवाई है, 4 लेबर मिली हैं, कल को और बढ़ा देंगे। देखो कितनी बड़ी ईंख निकल रही है। भाइयों, आज का काम है हमारा, 4 नफरी मिली थी हमें, और देखो कितनी सुंदर नड़ाई की इन्होंने। देखो थोड़ा काम तो कम चलता है खुरपे से, और यो आधा खेत पे कर गई, और ये लगा लो 2.5 बीघे में 8 नफरी काम कर पाएंगे पूरा, क्योंकि 4 आज लगी 4 कल आएंगे, तभी वो खेत निपटेगा हमारा। लेकिन बहुत बढ़िया खुरपी निकाली, देखो इन्होंने। भाइयों, इसमें हमने फावड़ा निकाला था अपने आप ही, और अब दिन छिप गया, ये देखिए, क्योंकि पानी के मारे कुल बुला रही है। इसमें बबलू कोरोजन कर रहा है, और सुबह 5 बजे इसमें पानी हो जाएगा, और पुनीत आ रहा घर से अभी यूरिया में
यूरिया में कोई चीज़ मिलाएगा और इसमें डाल लेगा। ये देखिए, ये जो खूड़ है ना गिल्ला चमक रहा, ये कोरोजन। की है बबलू ने सुबह 5 बजे पानी कर देंगे जरूर इसमें हम। इस परले वाले को 2 दिन बाद भर लेंगे। क्योंकि ज़्यादा सुखाना भी ठीक नहीं, पेंडा ऊपर है सेवा। भाई ये 2 आँख का था हमारा, इसमें जमाव तो हो रहा लेकिन कुछ बेगड़ा है। हालांकि पेंडे नहीं दाबने पड़े हैं, लील निकल रहे हैं बीच में। ये देखिए, ये निकल रही आँख। ये वे पेंडे हैं जिनकी आँख नीचे को होगी, क्योंकि 2 आँख वाले पेंडे में 1 आँख ऊपर आएगी तो दूसरी नीचे आएगी। ये सिर्फ ऊपर नीचे का अंतर है, गन्ना वैसे ये भी ठीक है। बाकी लास्ट में देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। इतनी बरसी पेड्डी भारी है, सही चल रही है। इसमें अगले में हमने 1 बार टीलर निकाला, बबलू ने परसों निकाला शायद, हाँ परसों। इसमें भी 1 बार और निकालना पड़ेगा, बहुत मोथा मर गया। इसमें जमाव बहुत गजब है भाइयों, एक धुर से पोवा पोवा खड़ा है, कमाल कर दिया 1 आँख वाले ने। इसमें 1 बार और टीलर निकाल लेंगे, और निकालने के फिर 1 दिन बाद इसमें फावड़ा आप निकाल लेंगे या निकलवाएंगे किसी पे, क्योंकि अभी ये खरपतवार वाली दवाई हमें नहीं करनी, मोथा उत्ता फूकने की कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा कई बार साइड इफेक्ट आ जा और नुकसान देती है वो। ठीक है ना, बबलू इसमें स्प्रे कर रहा है, इसने NPK और एक कुछ क्या मिला रखा, मैं अभी पूछ कर बताता हूँ। पिछले पानी पे हमने कोरोजन कर दिया था भाई। ये उसका ब्याह देखिए, एक दोहरे से पोवा खड़ा है। भाइयों अब बबलू बताएगा क्या क्या डाल रहा है। क्या मैं तो साइपर मैथेन है। अच्छा, एक NPK है। अच्छा, लिक्विड वाली और एक वो है इनकी साइड। अच्छा, पिछली बार कंपनी का। पिछली बार क्या करा था? पिछली बार हमने इसमें कोरोजन कर दिया। तो जैसे अगले पानी में कर रहे हैं तो इसका क्या फायदा होगा, ग्रोथ बढ़ेगी? क्या होगा, ग्रोथ भी बढ़ेगी। और ये इसमें जैसे गेहूं की कटाई चल रही, बराबर में मक्का का खेत है, इसमें तो एक बारीक मच्छर निकल जाओ ऊपर, उसकी पत्ती का सारा रस चूस देगा। जब पत्ती का रस चूस जाएगा, पत्ती से तो भोजन बनाओगा पेड़, बिल्कुल यही खराब हो जाएगी। ये है, और 1 हफ्ते बाद पानी, इसे पानी देंगे 1 हफ्ते बाद। बहुत बढ़िया, आज पहली हवा परवा होगी भैया, आज परवा हवा हो गई है, क्योंकि मच्छर बहुत आ गए हैं। जैसे गेहूँ की कटाई चल रही है तो इसमें मच्छर मरेंगे और पौधे को ताकत मिलेगी, NPK वगैरह है। तो हमें इसमें कुछ ना कुछ करते रहना है, क्योंकि हमारे लिए भी एक चैलेंज है। आपके गांव वाले बहुत मजाक ले रहे हैं हमारी, जिनका गन्ना 24 या 28 इंच पे है, उन्होंने तो पहले ही अनुमान लगा लिया। लेकिन हमने भी अनुमान लगा रखा है, मेहनत हमारी, आशीर्वाद प्रभु का प्लस, और फिर बाद में इजी कल्टू तो फायदा ही होगा। नमस्कार। भाइयों 1 आँख का ये बोया था हमने, आप देखिए हर 4-6 अंगड़ पर आँख है, बहुत गजब। अब हमें गेहूँ का बोना है, लेकिन मजबूरी है, उसे हमें 1 आँख का नहीं बो पाएंगे, उसे तो हम वही 2 का ही बोएंगे। ये देखिए, कोई सा भी खूड़ खाली नहीं है, ये सड़क की जड़ का खूड़ है, इसमें तो गरीब में पानी भी नहीं आया। ये ऐसे ही हमने 1 आँख दाब दी थी,
तो ये देखिए क्या बढ़िया जमाव है इसका, मोथा भी हो जाएगा फिट, इसका इलाज दूसरी जुताई पर हो जाएगा। नमस्कार।